हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास टेंथ के केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करा था। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो दो प्रकार की रिएक्शंस हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बेसिक जो मीनिंग है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। एक्सोथर्मिक, अगर हम इस स्पेलिंग को, इस वर्ड को अगर हम पार्ट में डिवाइड करें तो ये दो पार्ट में ब्रेक डाउन होती है, एक्सो और थर्मिक। एक्सो का मतलब है बाहर रिलीज होना और थर्मिक का मतलब है हीट, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जब वो कंप्लीट होती हैं तो उनके साथ हीट एनर्जी रिलीज होती है, उन रिएक्शंस को ही हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। इसमें डेफिनेशन है इसकी, द रिएक्शंस विच आर एकम्पनीड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कम्बशन रिएक्शंस। हम लोगों को एक और बात हमें ये समझ में आई स्टूडेंट यहाँ पर कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हम कम्बशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी हम कम्बशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उन सभी रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है। कॉमन एग्जाम्पल है, नीचे दे रखा है, मीथेन CH4। जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट मिल रही है, यानी कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक और एग्जांपल दे रखा है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको भी बर्न करा रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल रहा है, इसके साथ ही साथ हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है, तो अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल है। इसके अलावा एक और एग्जांपल यहाँ दे रखा है जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन स्टूडेंट एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें खाने का ब्रेकडाउन होता है और जब खाने का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। हमारी बॉडी के अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है जिससे हम डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको भी अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, एंडो और थर्मिक। एंडो का मतलब है अंदर सप्लाई करना और थर्मिक का मतलब है हीट, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिन्हें कंप्लीट कराने के लिए हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं उन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन इसकी, द रिएक्शंस विच आर एकम्पनीड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोथर्मिक रिएक्शन, इनका एक और नाम हो सकता है हाइपोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा स्टूडेंट, और उसकी एक केमिकल इक्वेशन भी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये आपस में रिएक्ट करते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट, यानी कि प्लांट्स की जो लीव होती हैं उनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और वो सोलर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट नीचे कुछ अदर एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे मरकरी ऑक्साइड है, इसको हम हीट एनर्जी के साथ ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो मरकरी अलग हो रहा है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग हो रहा है। एक और लास्ट एग्जांपल दे रखा है, अमोनियम क्लोराइड है, हीट की प्रेजेंस में इसका भी हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो अमोनिया अलग हो रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड सेपरेट आउट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हम लोगों ने जो स्टूडेंट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़े थे उसमें लास्ट जो हमने टाइप पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़े थे, जिसमें से आज हम देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हैं उनका हमारा एवरीडे लाइफ में क्या क्या उनके इफेक्ट्स हैं, क्या क्या ऐसे फिनोमेना है जिसमें ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉरोजन। स्टूडेंट, कॉरोजन का मतलब क्या होता है कि जो मेटल ऑब्जेक्ट होते हैं अगर वो एयर, वाटर, मॉइस्चर या अदर किसी केमिकल के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो धीरे धीरे उनके सरफेस के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, और जिसकी वजह से वो मेटल लगातार डिग्रेड होता रहता है, काफ़ी वीक हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम कॉरोजन बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली हमें जो कॉरोजन है वो आयरन के अंदर ऑब्जर्व होता है डेली लाइफ में, आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा बरसात वगैरह में, अगर लोहा की मतलब लोहे की कोई चीज़ होती है जब वो काफ़ी टाइम तक उसमें पड़ी रहती है तो वो एकदम वीक हो जाता है, उसके ऊपर आपने देखा होगा रेडिश ब्राउन कलर की लेयर भी डिपॉजिट हो जाती है जिसको हम रस्ट बोलते हैं, और आयरन में कॉमनली फिनोमेना हमें ऑब्जर्व हो जाता है, तो उसे हम कॉरोजन ना बोल के हमने एक और टर्म है यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसकी कॉरोजन की डेफिनेशन देख लेते हैं, द फिनोमेना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इज कॉल्ड कॉरोजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कॉरोजन के बारे में,
कि कॉरोजन से एक अच्छा प्रोसेस है या बेकार प्रोसेस है। तो अभी तक स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो कॉरोजन है वो ओवरऑल एक बेकार प्रोसेस है, क्योंकि उससे जो हमारा मेटल के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें इफेक्ट दे रखा है, कॉरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज ब्रिजेस एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेटल स्पेशली दोज विच आर मेड अप ऑफ आयरन। मैंने अभी आपको बताया कि मोस्ट कॉमनली जो कॉरोजन है वो आयरन के ऑब्जेक्ट में लगता है, और जब ये लग जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कॉरोजन इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस इन मोस्ट ऑफ केसेस। एवरी ईयर टन्स ऑफ वेरियस मेटल स्पेशली आयरन गेट्स वेस्टेड इन कंट्री। यानी कि अगर हम हर एक साल का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो काफ़ी ज़्यादा जो टन्स ऑफ आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉरोजन की वजह से ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट है रैंसिडिटी, ये दूसरा इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का। रैंसिडिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जो हमारा जैसे सब्जियां होती हैं उसमें हम लोग कुकिंग ऑयल वगैरह यूज करते हैं, फैट है, ऑयली चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं, तो अगर हम उन्हें खुले में छोड़ दें तो उनका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, और एरियल ऑक्सीडेशन होने की वजह से खाने की जो स्मेल है और जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। कॉमनली गर्मियों में आपने देखा होगा जैसे सब्जी वगैरह है, अगर हम रेफ्रिजरेटर में ना स्टोर कर पाएँ और ऐसी खुले में रह गई रात को, तो सुबह जब हम देखते हैं तो उसकी स्मेल और जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाता है, स्मेल भी गंदी आने लगती है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। तो वहाँ पर भी हमारा जो खाना है उसके अंदर जो फैट है या जो ऑयली चीज़ें हैं उनका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं, और उसी प्रोसेस को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम, जिसकी वजह से उनका स्मेल और टेस्ट दोनों ही ख़राब हो जाते हैं। तो रैंसिडिटी को रोकने के लिए हमें कुछ प्रिवेंशन हैं जो लेने पड़ते हैं, वो प्रिवेंशन क्या क्या हैं उसे हम देखते हैं। सबसे पहला है पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। जहाँ तक पॉसिबल है कि आपका जो खाने के जो आइटम्स हैं उन्हें कोशिश करें कि वो एयर टाइट कंटेनर में रख सकें, ताकि ऑक्सीजन डायरेक्टली सप्लाई ना हो सके वहाँ तक। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर्स ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर कैन बी स्टोर्ड। यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो खाना है वो हम लोग अपना स्टोर कर सकते हैं, जिससे ये ऑक्सीडेशन वाला जो प्रोसेस है वो कम हो जाए। नेक्स्ट है पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पटेटो वेपर एसेट्रा इन पैकेट कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर। आप लोगों ने देखे होंगे मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चिप्स आते हैं, और उनके अंदर जो एयर फिल्ड होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, बिकॉज नाइट्रोजन जो गैस होती है वो केमिकली अनरिएक्टिव गैस होती है, जो कि ऑक्सीजन को उन फैट के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होने देती है, तो उससे जो हमारा जो चिप्स वगैरह हैं वो सेफ रहते हैं। नेक्स्ट है अवॉइडिंग द फूड मटेरियल एंड कुक्ड फूड पैकिंग इन डायरेक्ट सनलाइट। हमें डायरेक्ट सनलाइट में वो खाने की जो चीज़ें वो नहीं रखनी है, अवॉइड करना है इसको। नेक्स्ट है बाय अवॉइडिंग एंटी ऑक्सीडेंट ऑफ BHA एंड BST। एक और तरीका हमारे पास कि हम एंटी ऑक्सीडेंट ऐड अप कर सकते हैं, दो एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं। एक है BHA, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और एक और है BHT, जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल।